सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग गेम प्ले वीडियो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ और एक वीडियो लेकर जहाँ पे तुम लोगों को भाई मजा तो आने वाला है। बस इस गेले गेम प्ले के अंदर ना आप लोग फुल ऑफ टीम वर्क देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वाला वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्टिंग में तुम लोग देख सकते हो कि मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था और भाई यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंदे आते हैं पीक में, तो फटाफट से गन ढूंढ लेते हैं क्योंकि बंदे मरने के लिए तो गन चाहिए। तो चलो आप थोड़ी देर ढूंढने के बाद तो मुझे को दो दुकान मिल गई थी, एक पैराफिल था। तो लॉन्ग रेंज में तो पैराफिल क्या कर सकते हैं तो तुम लोग सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सामने के घर के अंदर ही भर भर के बंदे आए थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर बैठा रहता हूँ क्योंकि क्या होता है कि वो बंदे लोग जब मेरी तरफ आएंगे ना तो मैं इजिली उन लोगों को हेडशॉट मार पाऊंगा। तो देखो अब यहाँ पर एक बंदे को नॉक और उसको फिनिश कर चुका था, बट यार प्रॉब्लम था कि मेरे पास तो एमओ की शॉट तो था, उसके बाद मेरा हील भी बहुत सारा नहीं था, तो ये इसी बात का परेशानी होगी। तो देखो ओ भाई साहब यहाँ पर क्या बचा भाई, और एक पल अगर हो जाता ना तो मैं तो उसको ही नॉक कर चुका था, बट उसका जो गोली है वो पहले रजिस्टर हुआ जिसके वजह से यहाँ पर मैं मर चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं पहले ही बता रहा था कि टीम वर्क है जिसके वजह से मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव करता है और मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर रिवाइव आने के बाद तो मैं फिर से क्या करता हूँ कि घर के अंदर घुस कर जो सारे लूट रहते हैं सब कुछ लूट लेता हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास स्कारेल था। तो ये बहुत ही अच्छा गन है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए, मतलब स्कारेल जो है ना बहुत ही अच्छा डैमेज देता है और शॉर्ट रेंज में अगर हेडशॉट बचा देता है तो ख़त्म ही हो जाएगा। सामने की तरफ यहाँ पर बंदे थे मेरे जो टीममेट्स है उसके साथ वो लड़ रहे थे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पीछे की तरफ से थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ उसको, बट यहाँ पर क्या करते हो कि आप सीधा क्लोज इन कर देते हो। तो देखो अब यहाँ पर ये जो बंदा था ये बंदा तो डायरेक्ट फिनिश हो गया था, इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो बाकी टीममेट्स है सब कुछ फिनिश हो चुका था और इसका टीम में मतलब इसका जो टीम है पूरा का पूरा खत्म हो चुका था। बहुत सारे प्लेयर्स अभी बाकी थे बट कहाँ पड़े ये तो हम लोगों को नहीं पता, तो प्लेयर पहले ढूंढना पड़ेगा। चलो अब मैं उस बंदे लोगों को मारने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ इस तरफ क्योंकि यहाँ पर स्टोर भी था और यहाँ पर कुछ मेरे को लूट भी मिल जाएगा। तभी यहाँ पर सामने की तरफ ऊपर की तरफ जो यहाँ पर टावर दिख रहे हो उसके ऊपर की तरफ एक बंदा मेरे को दिखाई देता है। अब मेरे पास तो M10 था और M10 क्लोज रेंज में क्या कर सकते ये तो तुम लोगों को मालूम है, तो चलो जाके मारते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग देख ही सकते थे कि एक और प्लेयर था जो कि नीचे के साइड में कहीं पर तो चला गया था। अब उस बंदे को मैं छोड़ देता हूँ और जो बाकी बंदे हैं ना उसके पास जाने स्टार्ट करता हूँ, मतलब मेरे टीममेट के पास। अब देखो अब क्या होता है, अब मैं बहुत देर से प्लेयर ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तभी यहाँ पर सामने की तरफ मुझे क्लूज ग्लूअल भी दिख जाता है और प्लेयर भी वहाँ पर भर भर के था जो कि आपस में ही फाइट कर रहे थे, मतलब यहाँ पर दो तीन स्कोर तो जरूर होंगे, तो भर भर के किल्स मेरे को ही नहीं लगा। तो फटाफट से जाते और एक एक करके मध्य मरने स्टार्ट करते चलो। यहाँ पर दो बंदे को तो मैं इजीली नॉक आउट फिनिश कर देता हूँ, यहाँ पर और एक बंदा था जो कि मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको डैमेज तो कर देता हूँ बट मेरा जो टीममेट रहता है वो उसको पूरा पूरा फिनिश कर देता है। अब क्योंकि मेरे पास ग्लूअल की कमी थी तो यहाँ पर मैं उन लोगों के पास जा रहा था, उन लोगों के पास से मुझे लूट चाहिए था, तभी यहाँ पर सामने की तरफ से इतना ज़्यादा फायरिंग का साउंड सुना है तो नहीं क्या ही बताऊँ, मतलब भर भर के बंदे सामने की तरफ भी है। तो फटाफट से चलते इनके पास से पहले लूटते, लूटने के बाद चलते उन लोगों को मारने के लिए। अब मैं जब घूमते घूमते इस तरफ आ गया था ना प्लेयर ढूंढने के लिए, तभी यहाँ पर सामने की तरफ ही मेरे को एक प्लेयर दिख जाता है। Resources here.
अभी इसको तो मैं सीधा सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर जोन भी आ रहा था तो जोन में भी जाना पड़ेगा, और भर भर के बंदे जोन में जोन की तरफ आएंगे तो उन सभी लोगों को मारेंगे। दस देखते जाओ। यहाँ पर मैं एक बंदे को तो नॉक आउट उसको फिनिश कर देता हूँ। तब यहाँ पर ऊपर की साइड में भी मेरे को और एक प्लेयर दिख गया था तो उसको मारने की बारी है। अब चलो हाँ, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि उस बंदे को पैर के ऊपर गोली मारने का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डैमेज था वो बंदा। अब यहाँ पर मैं कोशिश तो कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब सीधा सीधा तो क्लोज रेंज भी उसको लेंगे। तो चलो अब इस बंदे को तो मेरा टीममेट ही नॉक कर देता है। अभी भी जोन के बहुत ज्यादा बाहर है तो जोन की तरफ तो जाना पड़ेगा। तब यहाँ पर सामने की तरफ मेरे को और एक प्लेयर दिख जाता है। अब इन सभी लोगों को तो मैं खत्म कर चुका था। यहाँ पर और एक बंदा था जो कि गाड़ी लेकर ही जा रहा था बट ये रोड के ऊपर लॉक नहीं हो रहा पा रहा था। तो ठीक है, आप पहले तो जोन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जोन के आने के बाद तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत और जोन के अंदर जाना स्टार्ट करता हूँ, मतलब मिडिल जोन में से जाना स्टार्ट करता हूँ। तभी यहाँ पर देखते हो कि मेरे टीममेट्स के ऊपर फायर आना स्टार्ट हो गए थे, वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर थे। फाइनली हमारा टीममेट तो एक बंदे को डाउन कर देता है, पर और एक बंदा रहता है जिसको मैं ही डाउन कर दूंगा। तो देखो ये बंदा तो कोशिश कर रहा था मेरे टीममेट को डाउन करने का, जो कि कर भी देता है बट पता ही नहीं चलता कि कब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और पीछे की साइड से मैं फायर करके इसको डाउन कर देता हूँ। अब तब जब यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, मैंने पहले ही कहा था तो ऊपर की तरफ तो बंदे थे, और तभी मैं नीचे की साइड से ना कुछ फूसटे पाने स्टार्ट होते हैं, मतलब नीचे की साइड जो बंदे हैं। तो यहाँ पर एंड जोन तक, एंड जोन में तो फाइट तो हो गई जो कि हो भी रहा था। तो देखो एक एक करके तो मैं डाउन करने स्टार्ट करूंगा सब लोगों को। तो देखो फाइनली मैं इस स्क्वाड को खत्म करते तो ऊपर की तरफ भी बंदे क्लियर होना स्टार्ट हो गया था, और मेरे पास ही में और एक बंदा था जिसके ऊपर मैं, मतलब मैं यहाँ पर भाई कुछ नहीं कर सकता, बस देखते जाओ क्या होता है। अब यहाँ पर तुम लोग ही बताओ मैं क्या करूँ, मतलब दोनों साइड से मेरे ऊपर फायर आना स्टार्ट होता था और मैं यहाँ पर भाई कुछ ना कर सका। तो ठीक है, यहाँ पर मेरा टीममेट जो रहता है ना वो गेम को पूरा का पूरा क्लियर करते थे और बुआ कर लेते, और इसके साथ साथ गेम प्ले तो यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो देखते जाओ। फाइनली ये बंदा तो उस बंदे को मार देता है, यहाँ पर हम लोगों का जो टीम है वो बुआ कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ये गेम प्ले में यहीं पर एंड करते हो। आशा करता हूँ ये गेम प्ले आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट बड़े वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.